परीक्षा स्थगित होने के बाद भी परीक्षार्थी पहुंचे परीक्षा केंद्रों पर, परीक्षार्थियों को समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण परिजन अपने विद्यार्थियों को लेकर पहुंचे परीक्षा केंद्र पर, जहां पर परीक्षा होनी थी आज, लेकिन परीक्षार्थियों को समय रहते सूचना नहीं मिलने के कारण परीक्षार्थी को लेकर पहुंचे अभिभावक परीक्षा केंद्रों पर। साथ ही परीक्षार्थियों में कौतूहल भी हुआ कि आखिर समय होने के बाद भी आज परीक्षा केंद्र के गेट क्यों नहीं खुले। विद्यालय पर नहीं पहुंचे थे कोई शिक्षक, जहां पर इस प्रकार बच्चों में कौतूहल दिखाई दिया। दूर दराज गांवों से परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे, कोई पैदल आ रहा है तो कोई मोटरसाइकिल पर या जीपों में, जैसी जिसकी व्यवस्था थी उस तरह नित क्रम के मुताबिक परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा देने आ रहे हैं ओ, बराबर यार। तो दो दिन के लिए, कितने दिन के लिए आए हैं? बोर्ड 10वीं बोर्ड की अभी ताले लगे हुए हैं, कल हमको सूचना नहीं मिली थी, इसलिए आज सुबह यहाँ पे आ गए हैं और अभी तक कोई नहीं आया है। निचली शुभरी परीक्षा देने के लिए 10वीं बोर्ड की आए थे, मगर यहाँ पर कोई अभी तक आया भी नहीं है और अभी तक ताले भी नहीं खुले हैं और अभी तक हमारे को रद्द होने की सूचना नहीं मिली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आज 10वीं की परीक्षाएं जो पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो आज होनी थी, उसको जो है राज्य सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी आदेशों तक उसको रोक लगाई है। और चूंकि बच्चे यहां पर दूर स्थान के हैं, मैसेज उनके पास पूरी तरह कन्वे नहीं हो पाया, तो आज काफ़ी बच्चे जो हैं मैसेज नहीं मिलने की वजह से परीक्षा केंद्रों पर पहुँचे हैं। सभी बच्चों को इसी चीज़ की जानकारी देते हुए कि भाई जैसे ही आपका नया प्रोग्राम परीक्षा से संबंधित आएगा, आपके विद्यालय के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, बच्चों को वापस अपने घर के लिए रवाना।